सभी किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स का नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफको किसान संचार की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स आप सभी जानते हो, प्रतिदिन हम लोग ये लाइव शो करते हैं और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है लाइव शो करने का वह ये है कि किसान भाइयों को विगत से विगत कितनी भी परेशानियां हों, दिक्कतें हों, चैलेंजेस हों, उनको जानकारी का अभाव न मिले। क्योंकि अभी इस समय जिस स्थिति से पूरा देश लड़ रहा है, इसमें हो सकता हो फिजिकल मीटिंग्स या फिर फेस टू फेस आमने सामने बातचीत किसान भाई ना कर पा रहा हो, परंतु हम ये पूरी तरह से देखते हैं कि किसान भाइयों को हम अपने विभिन्न विभिन्न विशेषज्ञों के साथ किस तरह से जोड़ के उनके सवालों का जवाब दे सकें, उनकी परेशानियों का हल कर सकें। क्योंकि कुछ ही दिन बाद खरीफ की जो बुआई है, खरीफ का जो सीजन है, जो भारत में मुख्यतः खेती का एक सीजन माना जाता है, जिसमें जो खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य के रूप से फूड सिक्योरिटी के रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, इसीलिए हम प्रतिदिन ये लाइव सेशन कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, आशा करता हूँ कि आप सब लोग गर्मा गर्म चाय के साथ बैठे हैं देखने के लिए। 25 से 30 लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। इसमें डॉक्टर दया श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील कुमार राय, करुणेश त्रिपाठी, स्नेहा कृष्णन, परितोष पात्रा, HR पूर्वेश जोगानी, रविंद्र पटेल, सब लोग जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो विषय है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ, किस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। जी हाँ, फसलों का राजा, आज हम बात करेंगे धान के बारे में। जो हमारा आज का मुख्य विषय है वह है धान की वैज्ञानिक खेती के द्वारा किसान अपनी आय को कैसे बढ़ाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए और जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देना चाहता हूं। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से उनका संबंध है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में उन्होंने भाग लिया है। उनके 22 से भी ज़्यादा शोध पत्र हैं, 20 उनके 50 से भी ज़्यादा समसामयिक लेख हैं, 13 उनके टेक्निकल बुलेटिन्स हैं, 4 उनके ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, 22 छात्रों को उन्होंने शोध कार्य कराया है, तथा उनका अपना स्वयं एक यूट्यूब चैनल है, जो कि ये एक दिशा निर्देश देता है कि काफ़ी टेक सेवी हमारे आज के विशेषज्ञ हैं। और विगत 21 वर्षों से, यानी 2 दशकों से भी ज़्यादा, वो किसान भाइयों के बीच में रह के उनका सेवानिवृत्त कर रहे हैं। जी हाँ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव कुमार जी का। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी सिद्धार्थ जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को, बहनों को, और जितने भी व्यूअर्स हैं फेसबुक के, उन सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। और जो किसान भाई जुड़े हैं, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैं अपनी तरफ से डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी, जो आचार्य नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के प्रसार निदेशालय के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले, जैसे कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और धान की खेती पर चर्चा होनी है, तो सभी साथियों को, सभी जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे अधिकारीगण हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी साथियों, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इफको किसान से भी की ओर से, पूरी टीम की तरफ से आपको नमस्कार एवं धन्यवाद। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आज हम इस विषय पे लाइव चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ 40 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर दया श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील कुमार राय, करुणेश त्रिपाठी, स्नेहा कृष्णन, परितोष पात्रा, पूर्वेश जुगानी, रविंद्र पटेल, दिव्येंदु पॉल, तरुणी चौधरी,
जीएस पवार, रोहित वर्मा, रंजीत सिंह राजपूत, विकास सिंह तोमर, अमित कुमार, राहुल माने, इन सब लोगों ने अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है आपको। 40 से ज्यादा मेरी तरफ से सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, मैंने आज के विषय के बारे में बता दिया है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को एवं किसान भाइयों को इसकी पृष्ठभूमि दें तथा इंट्रोडक्शन करें कि आज हम मुख्यतः किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी जी, धान जो है हमारे प्रदेश की और देश की अनाज की फसलों में विशेष महत्व रखता है, और भारत की बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। और अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें, वो दिन दूर नहीं कि हम फर्स्ट स्टेज पे आ सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि धान का कितना बड़ा महत्व है, और तथा धान एक ऐसी फसल है जो मुख्य अनाजीय फसल भारत में खाद्य के रूप में, खाने के रूप में खाई जाती है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक धान एक ऐसी फसल है जो कि खाद्य में काफी उपयोग में आती है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, कुछ ही खुशी क्षण में सवालों की भी फहरिस्त लग जाएंगी। श्यामा कांत जी भी जुड़ चुके हैं, मोनालिसा जी भी जुड़ चुके हैं, सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि धान की वैज्ञानिक खेती करने के लिए एवं अपनी पैदावार तथा आय को बढ़ाने के लिए मिट्टी का चयन कितना महत्व रखता है, और कौन सी प्रमुख मिट्टियां हैं जिनमें धान की अच्छी खेती की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, जब हम मिट्टी की बात करते हैं या भूमियों की बात करते हैं, धान की खेती देश भर में लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो सबसे जो बेस्ट सोयल है, सबसे अच्छी जो मृदा है, मिट्टी है, वो चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है धान की खेती के लिए। और सामान्य रूप से देखते हैं कि बलुई दोमट में भी इसकी खेती कर रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, और जो है मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.5 के बीच अगर पाया जाता है तो उसमें इसकी खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा सकती है। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पीएच मान कितना होना चाहिए तथा चिकनी दोमट मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं ले लूंगा आज का हमारा पहला सवाल। हमारे व्यूअर हैं ये राहुल, हाँ हमारे एक व्यूअर हैं, वह ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल में धान की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है तथा कौन सी ऐसी किस्म लगाएं जिससे अधिक उत्पादन है। जी डॉक्टर साहब जी, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर धान की जो है कुछ किस्में हैं जो हिली एरियाज के लिए भी अच्छी हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा भी कई प्रजाति जो है निकाली गई हैं, जैसे नरेंद्र 97 है और शुष्क सम्राट है, इनको वहाँ पर उगा सकते हैं। अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन हो तो मुख्य जो प्रजाति है उनमें से जैसे नरेंद्र 128, नरेंद्र 80, नरेंद्र धान 2, साकेत 4 और प्रसाद, गोविंद, रत्ना आदि का चयन किसान कर सकते हैं। जी जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया उनको, हमारे व्यूअर को, और आशा करते हैं हमारे व्यूअर को उनके उनके सवाल का उचित जवाब मिल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की ओर। हालांकि दया श्रीवास्तव जी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, दया जी आपके सवाल की तरफ आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं, आपने मिट्टी के बारे में बताया, अब मैं चाहता हूं हमारे किसान भाइयों को बताएं आप जो उन्नतशील प्रजातियां हैं वह कौन कौन सी हैं तथा उनका मुख्य रूप से चयन करके किसान भाई अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब।
हाँ सिद्धार्थ जी, जब हम प्रजातियों के चयन की बात करते हैं तो इसमें दो तीन बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात है कि सिंचाई के क्या साधन हैं। अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं तो कोई भी प्रजाति वहाँ पर उगा सकते हैं, अगर उचित सिंचाई के साधन हैं। और अगर जमीन हमारी ऊंची है, अपलैंड सोयल है और वहाँ पर जो है रेन फेड के ऊपर ही खेती की जा रही है, तो वहाँ पर जो है शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का चयन करते हैं जो लगभग 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और उनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, जैसे नरेंद्र 97 है, नरेंद्र 108 है, नरेंद्र धान 80, नरेंद्र 1, नरेंद्र 2, साकेत 4, प्रसाद, गोविंद, रत्ना, शुष्क सम्राट, बारानी दीप। यानी कि जहाँ पर सिंचाई के सीमित साधन हैं वहाँ पर कम अवधि वाली प्रजातियों का चयन करें, वही वहाँ पर लाभकारी होंगी। और जहाँ पर सिंचाई के उचित साधन है वहाँ पर मध्यम अवधि वाली प्रजातियों का भी चयन कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र 359 है, सरजू 52 है, पंत धान 4 है, नरेंद्र धान 3112-1 है, नरेंद्र धान 2026, नरेंद्र धान 2064, नरेंद्र धान 2056, सीता आदि जो प्रजाति हैं ये मध्यम अवधि वाली हैं और ये 120 से 125 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। जी सिद्धार्थ, दूसरी बात करें हम तो तेज पकने वाली प्रजाति हैं वो लगभग 130 से 140 दिन लेती हैं पकने के लिए। इसमें जैसे मसूरी है, सांबा मसूरी है, ये प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। इन प्रजातियों का चयन वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन हो या उचित मात्रा में बारिश होती हो, और जो लोलैंड एरिया है वहाँ पर इनका चयन हम करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि घरेलू आवश्यकता के लिए या फिर बाजार में एक्सपोर्ट करने के लिए, बाजार में भेजने के लिए या विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए जो हम प्रजाति उगाते हैं वो सुगंधित प्रजाति उगाते हैं। और सुगंधित प्रजातियों में जैसे नरेंद्र लाल मती है और बासमती 370 है, टाइप 3 है, काला नमक 101, काला नमक 102, बोना काला नमक 103, काला नमक किरण, पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती 1, रावड़ी बासमती, मालवीय सुगंध और पूसा सुगंध, प्रजातियों का चयन हम कर सकते हैं सुगंधित चावल पैदा करने के लिए। दूसरी ऊसर सहनशील वाली प्रजातियां होती हैं। ऊसर सहनशील प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं वो उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं सफलतापूर्वक जहां पर जो भूमि का पीएच वैल्यू ये जो है 8 TI से अधिक होता है, जैसे ऊसर धान 1 है, CSR 13 है, नरेंद्र ऊसर धान 2009। तो ये प्रजाति वहाँ पर हम उगाते हैं जहाँ पर ऊसरपन है जमीन में। तो इसके बाद दूसरी प्रजाति कुछ वो ऐसी है जहाँ पर लोलैंड एरिया होता है और बारिश अधिक होती है, जल भराव की समस्या बन जाती है वर्षा काल में, तो उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने और विश्वविद्यालयों ने जो है प्रजातियों का विकास किया है, जिसमें स्वर्णा सब वन है, NDR 8002 है, जल लहरी है, जलमगन है, जलप्रिया है और स्वर्णा है, नारायणी, नरेंद्र नारायणी है, नरेंद्र जलमग्न है और जलपुष्प है, मयंक है। ये प्रजाति किसान लोग ऐसे क्षेत्रों के लिए चयन करें जहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आपने बड़े ही डिस्क्रिप्टिव और विविध तरीके से बताया, इतने सारे आपने किस्मों की नाम बताएं। आशा करते हैं किसान भाई जो सुन रहे हैं उनको उन्होंने कुछ नोट किया होगा कि ताकि अभी आने वाले जो धान की रोपाई होनी है उसमें कार्यरत रहे तथा उनको फायदे में आए। हमारे एक व्यूअर है दिव्येंदु पॉल जी, वो कह रहे हैं कि मैं सॉरी कुछ दिनों से जुड़ नहीं पाया, आज प्रेजेंट हूँ। धन्यवाद दिव्येंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मलाल की कोई बात नहीं, जुड़े रहें प्रतिदिन हमारे साथ और लाभ लें हमारे लाइव सेशन का। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश के बारे में जिन व्यूअर ने पूछा था, सोनी ठाकुर जी उनका नाम था,
तुरई ठाकुर जी, आशा करता हूँ आपके आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने इसके पहले वाले सेगमेंट में देख लिया था और साथ ही दे दिया था। आप हमारे जो लाइव की रिकॉर्डिंग है उसको सुने, उसको देखें, तो आपको और भी लाभ मिलेगा। सवालों की फहरिस्त तो लंबी होती जा रही है, परंतु हमें काफी विषयों पर चर्चा करना है। रवि भूषण सिंह जी, विनय सिंह जी, आपके सवालों पे आऊंगा, लेकिन बढ़ते हैं अब हम अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि कुछ ही दिन में धान की नर्सरी तैयारी का समय आ जाएगा, तो नर्सरी तैयारी किस तरह वैज्ञानिक विधि से करनी चाहिए तथा सुचारू रूप से नर्सरी की तैयारी करके किसान भाई अपनी आय में किस तरह से बढ़वार कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ, जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो अगर किसान एक धान की रोपाई करना चाहता है तो उसमें लगभग 500 से 600 वर्ग मीटर एरिया में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, और नर्सरी तैयार करने के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। साथ ही साथ ध्यान रहे कि जो खेत हम नर्सरी के लिए इस्तेमाल करेंगे वहां पर सिंचाई व जल निकास के पर्याप्त साधन हो, साथ ही साथ वो खेत अगर रोड से जुड़ा होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नर्सरी के जो सीडलिंग है वो ले जा सकते हैं। और इसमें नर्सरी तैयार करने के लिए मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि इसकी दो विधियाँ सामान्य रूप से किसान लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक है सूखी विधि, दूसरी है गीली विधि। सूखी विधि में क्या करते हैं कि जब वर्षा नहीं होती या सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होते तो उस समय हम सूखे में खेत को तैयार करते हैं और खेत को तैयारी करके खरपतवार मुक्त कर देते हैं और उसकी 3-4 जुताइयां करके खेत को समतल बना लिया जाता है और उसको छोटी छोटी क्यारियों में बांट देते हैं। जो क्यारियों का जो साइज है सामान्य रूप से वो 8 मीटर लंबा रखते हैं तथा 1.25 मीटर चौड़ा लगते हैं। इस प्रकार से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 50 से 60 जो क्यारियां हैं, बेड्स जिसको कहते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। और ध्यान रहे कि बेड जो है सामान्य धरातल से, जो खेत का धरातल है उससे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उठे हुए बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बारिश हो जाती है और उस समय जल निकास की समस्या आ सकती है, तो अगर हम उठे हुए बेड बनाएंगे, रेज बेड जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम पानी आसानी से निकाल सकेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं कि बीज का चुनाव कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। बीज किसी प्रमाणिक संस्था से लें, विश्वसनीय संस्था से बीज लें, और अगर बीज उपचारित नहीं है, जैसे बीज हम खरीदते हैं ज्यादातर जो विश्वविद्यालय हैं या ज्यादातर जो सीड प्रोड्यूसर कंपनी है वो उपचारित करके बाजार में भेजती हैं बीज को, और अगर किसी किन्हीं वजह से अगर बीज का उपचार ना किया गया हो तो बीज का उपचार किसान अपने आप कर सकते हैं। उसके लिए लगभग 2.5 ग्राम एग्रोसन जीएन या 2.5 ग्राम सिरेसान वेट या 2.5 ग्राम पेनलेट या 2.5 ग्राम कार्बन डाइसीम या 2.5 ग्राम वेबरस्टिन किसी भी जो फंजीसाइड से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 ग्राम जो दवाई है वो 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। तो मैं बात कर रहा था कि सूखी विधि में हम जो है कैसे बीज की बुआई करें। तो बेड हम तैयार कर लिया सूखे खेत में, उसके बाद क्यारिया बना ली, उसके बाद हम बीज लेते हैं लगभग जो है 500 ग्राम से 600 ग्राम ये दाने के साइज के ऊपर निर्भर करता है। अगर जो फाइन ग्रेन वैरायटीज हैं या पतले दाने वाली प्रजाति हैं उसका लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर पर्याप्त रहता है, और जो मध्यम दाने वाली प्रजातियां हैं उनका बीज जो है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखते हैं, और जो मोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उनका बीज हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बोते हैं। और ध्यान रहे कि बीज में किसी प्रकार के जो है खरपतवार आदि के बीज न मिले हुए हों, और अगर किसान अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी अच्छे से छटाई कर दे,
और उसको साधारण पानी में जो है भिगो दे, जिससे जो हल्के बीज होंगे या रोगी जो बीज होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे और उनको तैर के फिर अलग कर लें तैरते हुए बीजों को, और जो साफ बीज रहेगा उसको थोड़ा फिर पानी से निकाल के फर्श पे या किसी पॉलीथीन सीट पर फैला दें, और जब वो लगे कि आप आसानी से बो सकते हैं तो उसकी बुआई आप कर दें। इसके साथ साथ जो है इसमें ध्यान रखते हैं कि पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें नर्सरी में। इसमें सामान्य रूप से देखा जाए लगभग जो है इसमें हम सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है वो अच्छे से 8 से 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद जो लगभग सॉरी 8 जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो प्रति बैड में लगभग 80 से जो है 120 किलोग्राम प्रति बैड के हिसाब से मिलाएंगे, और जैसे हम बीज बो देते हैं उसके ऊपर हल्का सा परत हम चढ़ाते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा जो पौधे हमारे स्वस्थ उगते हैं। इसके साथ साथ उसमें 8 से 10 किलोग्राम जो है यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और जो है लगभग 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो है हम 500 वर्ग मीटर एरिया में हम डालते हैं समान रूप से। और ध्यान रहे कि अगर मिट्टी की जांच हम पहले से करा लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कितनी जो है उसमें खाद उर्वरक डाले हैं। तो सिद्धार्थ जी मैं कहना चाहूँगा कि जो नर्सरी हम उगा रहे हैं उसको आप समय समय पर देखते रहें, और बुआई के बाद जो है उसकी सूख विधि में जब हम बोते हैं नर्सरी तो तत्काल उसकी सिंचाई करते हैं, बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, और उसके बाद फिर 3 दिन बाद फिर दोबारा हल्की सिंचाई करें, फिर 6-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। जब हम गीली विधि की बात करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा भी बराबर वही सेम रखते हैं जो सूखी विधि में है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम जो बेड्स की जो तैयारी करते हैं नर्सरी का जो बेड होते हैं उनको गीले में तैयार करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है बारिश हो जाती है वो किसान के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, और बारिश हो जाती है तो उस समय किसानों को जो नर्सरी की जो है तैयारी और नर्सरी की जो बुआई है गीले खेत में ही करनी पड़ती है। तो उस दौरान एक बात और करें कि जो बीज है हमारा, जैसे हम 2 दिन बाद नर्सरी डालना जा रहे हैं तो बीज को आप जो साधारण पानी है उसमें अच्छे से भिगो दें और उसे जूट के बोरे में बांध के रख दें लगभग 24 से 48 घंटे के लिए, और पानी वहां पर हल्का हल्का डालते रहें सुबह शाम। तो इससे क्या होगा कि बीज जो है वो अंकुरण उसमें शुरू हो जाएगा, और फिर हम ले जाके उसको जो गीली विधि से जो बेड तैयार किए गए हैं वहां पर हल्का सा जो है पर्लिंग लगाते हैं, जिससे जो है पानी गंदला हो जाता है और जो मिट्टी के जो कण हैं वो पानी के साथ में घूमने लगते हैं, और उस समय तत्काल बाद जो है अंकुरित बीज जो हल्के से अंकुरित रहते हैं उनको बो देते हैं। और ध्यान रहे कि बीजों की बुआई जो है सुबह के समय करेंगे या फिर शाम के समय करेंगे, अगर दोपहर में बुआई करते हैं तो उसमें जो है मोर्टिलिटी बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम देख रेख करते हैं कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, कोई रोग तो नहीं लगा है, तो ये निगरानी करते हुए हम जो है नर्सरी की देखभाल करते हैं। और इस प्रकार से जो हमारी जो नर्सरी है वो लगभग 21 से 22 दिन में तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आपने बड़े ही डिटेल में बताया कि किस तरह से नर्सरी का जो चयन है या फिर नर्सरी बनाना इतना आवश्यक है, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले हमारे जो एक व्यूअर हैं विनय सिंह जी, जी विनय सिंह जी, ये जो है पूछना चाहते हैं क्या सरी मेथड से सेंटेड राइस ग्रो कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, सरी विधि से? जी सरी विधि से कोई भी जो राइस है या धान है उसको हम आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। सरी विधि क्या है कि इस विधि में जो है हम धान की जो नर्सरी है
वो लगभग 10 से 12 दिन उम्र वाली जो छोटी सीडलिंग्स होते हैं, यंग सीडलिंग्स जिनको बोलते हैं, उनको हम जो है रोपाई करते हैं, और 12 से 14 दिन के बाद बुआई के हम रोपाई करते हैं। इस अवस्था में पौधों को उखाड़ने में खेत में बीच में जो है कम समय लगता है, और परंपरागत तरीके से खेत की जो है तैयारी करके हम उसमें रोपाई कर सकते हैं। और इस रोपाई के लिए जो है आधुनिक यंत्र भी आ रहे हैं, रोपाई वाले ट्रांसप्लांटर भी आ रहे हैं, और उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। तो श्री विधि बहुत अच्छी विधि है, और जिसका जो है काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, ऐसा शोध से पता चला है कि काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, और सामान्य जो हम खेती करते हैं उसकी तुलना में इस श्री विधि से लगभग 10-15% जो है उपज अधिक मिलती है। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आपने बताया, आशा करते हैं विनय जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। इसी तरह से ये बिट्टू नंबरदार जी हैं, सत्य प्रकाश सिंह हैं, दया प्रकाश जी हैं, यशपाल सिंह हैं, अविनाश पवार हैं, सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बिंदु पे और आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, क्योंकि दया श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं काफी ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर्स, कई किसान भाइयों के बिहाफ में पूछते हैं, दया जी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड धान की प्रोसेसिंग के दौरान हाइब्रिड धान जो है टूटने की समस्या बहुत अधिक आती है, इसमें किसान भाई क्या करें? जी डॉक्टर साहब, हाइब्रिड धान में टूटने की समस्या अधिक आती है, ये सामान्य रूप से देखा गया है, और किसानों के जो है हमारे पास भी फोन आते हैं। तो इसमें विशेष बात का जहां तक मेरा आइडिया है यही ध्यान रखें कि जब फसल पकने जा रही है और पक गई है तो उसमें नमी का स्तर देखें किसान लोग तो दांत के नीचे दाने को तोड़कर नमी का स्तर का आइडिया लगा सकते हैं। वैसे आधुनिक समय में जो मॉइस्चर मीटर भी आ रहा है, नमी मापक यंत्र, जिससे हम दानों की नमी को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान इतने अनुभवी हैं कि वो देख के ही हाथ में छूने से ही और दांत पर दबाकर ही बता देते हैं कि डॉक्टर साहब आपका वीडियो थोड़ा सा अटक गया है, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत आ रही हो, अपना एंगल ठीक कर लें आप। डॉक्टर साहब का वीडियो थोड़ा सा अटक गया है, थोड़ी देर में शायद वो ज्वाइन करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपका वीडियो अटक गया है, आवाज नहीं आ रही है, कृपया दोबारा से ज्वाइन। हाँ आ रहे हैं डॉक्टर साहब आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप अपना ये माइक को म्यूट से हटा लें, म्यूट पे है आपका माइक। जी 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 डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अपना एंगल ठीक कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। हाँ कंटिन्यू करें जी। तो हम बात कर रहे थे कि दाना कम टूटे इसमें क्या करें, इसमें यही है कि एक तो सिंचाई का भी ध्यान रखें, जब जब उसमें सिंचाई की आवश्यकता हो तब तब किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई उचित अंतराल पर करें, और सामान्य रूप से देखें तो अगर बरसात नहीं हो रही है तो लगभग जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, और सिंचाई चाहे हल्की ही करें, जैसे 2-3 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई कर सकते हैं, और जो है पानी जो है ऐसे नमी का स्तर बनाए रखें कि खेत में जो है सूखापन ना महसूस हो। अगर सूखा महसूस होता है तो वहां पर भी ये समस्या देखी गई है कि दाना जो है हाइब्रिड क्या दूसरी प्रजाति जो सामान्य प्रजाति भी है उनमें भी दाना टूटने का, चावल जो टूटने का है वो मिलता है केसेस। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब आशा करते हैं दया जी आपने जो सवाल पूछा है कई किसानों के उपलक्ष्य पे, कई किसानों के बिहाफ में डॉक्टर साहब ने ये जो भी जानकारी दी है वो उपयोगी होगी सभी किसान भाइयों के लिए। बिट्टू नंबरदार जी, सत्य प्रकाश सिंह, यशपाल सिंह, सब लोगों ने अपना बहुत बहुत अभिवादन एवं धन्यवाद जी दिया है। सिद्धार्थ जी मैं सभी व्यूअर का अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ,
और आशा करता हूं कि ये जानकारी जो इफको किसान संचार के माध्यम से दी जा रही है, और मैं कृषि विज्ञान केंद्र एक बार पुनः दोहरा रहा हूं वाराणसी से, जो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक डॉक्टर साहब का नेटवर्क थोड़ा सा फिर एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट्स कई रिमोट एरिया से जुड़ते हैं तो नेटवर्क की थोड़ी सी ग्लिच आती है, इसके लिए क्षमा अवधि चाहता हूं मैं सारे व्यूअर्स से, परंतु आप लोग डिस्कार्ड ना हो, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब आपका नेटवर्क फिर से थोड़ा सा वो हो गया है, तो अपना मोबाइल का एंगल ठीक कर लें ताकि नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना रहे। लेके देखरेख में दिशा निर्देशन में डॉक्टर साहब माइक अपना ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें डॉक्टर साहब, माइक ऑन। हाँ माइक में आपके क्या दिक्कत क्या कुछ आ रही वहां से नेटवर्क? नेटवर्क ठीक है डॉक्टर साहब। चलिए अब जो है बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अगले सेगमेंट की ओर मैं देख रहा हूँ 35 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं लाइव में, धीमे धीमे और जो है रहेंगे। डॉक्टर साहब अपना एंगल ठीक रखें ताकि कोशिश करें कि नेटवर्क की समस्या कम आए, जिस एंगल पे बैठे हैं उसी पे आप निरंतर बैठे रहे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना डॉक्टर साहब आपको? आ रही है जी जी। और मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है डॉक्टर साहब। अपना एंगल ठीक रखें जी जी जी, एंगल को छेड़छाड़ ना करें हम जी, लोग जी, जी। बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। हेलो जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब अब मैं चाहता हूँ आप हमारे किसान भाइयों को बताएं जो भूमि का प्रिपरेशन है, लैंड प्रिपरेशन किस तरह से करें। जी 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 जी, जब हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं तो सभी किसान भाई जान रहे हैं और जानते भी हैं और अपना भी रहे हैं। आवाज आ रही सिद्धार्थ जी? हेलो, तो उसमें जो है लैंड आवाज आ रही है? आ रही, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। जी 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 जी, भूमि की तैयारी की बात करते हैं तो जैसे हम रबी की फसलों की कटाई करते हैं, जैसे गेहूं की कटाई है या सरसों की या चना मटर आदि की कटाई करते हैं, तो पहली तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जैसे ही गेहूं की कटाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद वहां पर ढैंचे की बुआई कर दें, और ढैंचे की बुआई कर दें। इससे क्या होगा कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है जमीन में स्थिर हो जाएगी, और लगभग ये ढैचे की जो फसल है इसका लगभग 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है, और ये लगभग 45 दिन के आसपास जो है तैयार हो जाती है मिट्टी में पलटने के लिए, और उसके बाद जो है उसको मिट्टी में पलट के पानी भर दें, और ये विधि उन्हीं क्षेत्रों के लिए सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है जहाँ पर जो है पानी का पर्याप्त साधन हो और लोलैंड जमीन हो, तो उसके लिए बेस्ट है हरी खाद का जो है ग्रोइंग करें, और हरी खाद उगाकर भूमि की जो है उर्वरा शक्ति में भी इजाफा होगा, क्योंकि जब वनस्पति जो है ढैंचे के जो पौधे का वनस्पतिक जो भी भाग है जब सड़ता है जमीन के अंदर, उसमें जो है लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व से लगाकर माइक्रो जो है न्यूट्रेंट तक सूक्ष्म पोषक तत्व भी उसमें होते हैं, और इससे जो है मृदा उर्वरता में सुधार होता है। तो इसके बाद मैं बात करूंगा कि कैसे उसकी जुताई करें, क्या क्या करें। तो जो किसान ढैंचा नहीं उगाना चाहते हैं, जैसे अभी समय भी निकल गया है, अब तो समय नहीं है ढैंचे की बुआई का, तो किसानों को चाहिए कि गहरी जुताई कर दें मिट्टी पलट हल से खेत की एक बार, और गहरी जुताई में ये ध्यान रहे कि हर साल न करें वो, और लगभग तीसरे साल के अंतराल पर गहरी जुताई करते रहें, और गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो कीड़े मकोड़े हैं जमीन में मौजूद होंगे, उनके अंडे होंगे, लार्वा होंगे, वो तेज धूप की वजह से जो है मर जाएंगे,
और जो खरपतवार वहां पर होंगे वो भी सूखकर नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद जब हम रोपाई करते हैं, जैसे हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो रोपाई से पूर्व खेत को फिर पुनः 2-3 बार जुताई करके उसमें पानी भर दें, पानी लगा दें, और पानी लगाते समय जो है उसमें लेहे लगाएं, जिसको पडलिंग कहते हैं, लेहे लगाएं। और लेहे लगाने में क्या होता है कि खेत में पानी भर दिया जाता है और एक उसमें हल से जुताई करते हैं या टीलर से जुताई करते हैं, और उसके बाद एक कांटेदार जो पाटा है, अभी तो कुछ किसानों के पास वो मिलना मुश्किल है, लेकिन जिनके पास है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कांटेदार जो पाटा पहले बनाते थे किसान लोग, उसमें क्या होता था कि जितने भी खरपतवार खेत में जो बाद में उगे हुए होते हैं वो सारे इकट्ठे होते रहते हैं पाटे के नीचे, और उसको फिर बारी बारी निकालते रहते हैं, और उसको निकाल के फिर वहीं पर जमीन के अंदर कीचड़ में उसको दबा दिया जाता है अच्छे से, और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं किसान भाइयों। पडलिंग बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कि सोयल में एक स्मूथ सरफेस चिकना तह का निर्माण हो जाता है, जिससे लीचिंग की भी समस्या कुछ कम होती है, और पानी जो है लंबे समय तक रुका रहता है खेत में, और पौधों की जो रोपाई है वो भी आसानी से हम कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत विविध तरीके से बताया, साथ ही में ढैंचा एवं और जो अन्य प्रकार के विधियां हैं और जो फसलें हैं जिसको ग्रीन मेन्योर भी हरा चारा बोलते हैं, उसकी यदि हम अच्छे से बुआई कर बुआई के मतलब है कि उसको यदि हम मिट्टी में मिला देते हैं तो आगे चल के फसलों में बढ़वार आता है। 30 से ज्यादा लोग लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिट्टू नंबरदार, रोहित वर्मा, प्रवेश कुमार, राहतु प्रधान, सचिन प्रताप तोमर, सबने बोला है कि समय समय पे जो जानकारी मिलती है इस लाइव सेशन के लिए, हम उसके लिए आभारी हैं। हम सब भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं इस लाइव में जुड़ने के लिए। एक बात मैं और सबसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो लाइव सेशन के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, व्यूअर्स हैं, वह कभी कभी कुछ नेटवर्क के इश्यूज आते हैं, ग्लिचेज आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एनेबलर तो है ही, लेकिन साथ साथ कुछ दिक्कतें भी लाता है। तो यदि कोई बीच बीच में यदि रुकता है मान लीजिए, तो उसका जो है उसके लिए पहले तो क्षमा प्राप्ति, लेकिन निराश ना हो, हताश ना हो, हमारे साथ जुड़े रहें, एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि समय सीमा की अवधि को देखते हुए, अब मैं चाहता हूं आप संक्षिप्त रूप से, क्योंकि लगभग 38 मिनट हो चुके हैं, पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी दें। जी डॉक्टर साहब। जी, पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तब तो सिद्धार्थ जी और किसान भाइयों, मेरा यही निवेदन है कि उचित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, जो मैंने पहले भी बताया है, कि मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे हमें पता लग जाएगा कि जमीन में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी उपलब्धता सही है, फिर उसी हिसाब से हम जो है रासायनिक और जैविक खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, अगर किसी वजह से, जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है, अगर मिट्टी का नमूना चेक नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि इधर उधर आना जाना सारा बंद है और केमिकल्स वगैरह भी उसमें जरूरत पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिट्टी अगर जांच न करा पाए तो सामान्य रूप से कहें कि जो ये लंबी, जो हमारी लंबी अवधि वाली प्रजाति हैं और मध्यम अवधि वाली प्रजाति जो है धान की, उसमें लगभग 130 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास व 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कम अवधि वाली प्रजाति हैं और रेनफेड एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ पर किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास व लगभग 20 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल अगर करते हैं, तो इससे जो है पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन होगा
साथ ही साथ जब हम इंटीग्रेटेड पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, ग्रीन मैन्यूरिंग के बारे में तो मैंने बता दिया है कि ग्रीन मैन्यूरिंग भी करें, साथ ही साथ फसल चक्र अपनाएं। हर बार एक खेत में बार बार धान ना लगाएं, जहां पर संभावना है दूसरी फसलों की, जैसे जहां पर जल भराव की समस्या नहीं है वहां पर अरहर की बुआई वहां पर कर सकते हैं इसी में, और दूसरा उड़द या मूंग भी कर सकते हैं वहां पर, तो फसल चक्र भी अपनाएं, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है वातावरण से जो दलहनी फसलें जब हम उगाएंगे तो पोषक तत्वों का एडिशन सोयल के अंदर यानी कि स्थिरीकरण हो जाएगा, जिससे हमें कम रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जी सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपने म्यूट कर दिया था, अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। जी जी जी, तो सिद्धार्थ जी मैं यही जी कहना चाहूंगा कि गोबर की सड़ी हुई जो खाद है जिन किसानों के पास उपलब्ध है, पशुपालन भी वो कर रहे हैं, वो उनको चाहिए कि लगभग जो है 8 से 10 टन अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद जो है भूमि की तैयारी के समय अच्छे से मिला दें, और खाद जो है अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कच्चा खाद गोबर का हम खेत में डाल देते हैं तो वहां पर दीमकों का प्रकोप हो सकता है, उसकी आशंका रहती है। अगर किसान भाइयों के पास, कुछ किसान भाई जो है वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो लगभग जो है ज़्यादा अगर उपलब्ध नहीं है तो 3 से 4 टन जो है वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टर की दर से मिट्टी में अच्छे प्रकार से मिला दें। और इसके साथ साथ कुछ किसान भाई जहां पर मछली की खाद आसानी से मिल जाती है या मछली जो मार्केट है वहां से भी उसका जो डस्ट है जो वेस्टेज है उसको इकट्ठा करके ले आएं अपने खेत में, उसको फिर मिट्टी मिला के गड्ढे में दाब दें और वो लगभग 40 दिन में वो तैयार हो जाती है। तो मछली की खाद भी अगर उपलब्ध हो जाए तो लगभग 1 टन प्रति हेक्टर की दर से अगर डाल देंगे तो बहुत लाभ होगा, और इससे हम जो रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कम हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टर डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन के रूप में, जैसे नाइट्रोजन यूरिया के रूप में देते हैं, तो उसका 50% किसान भाई बचत कर सकते हैं। ऐसे ही डीएपी का भी 50% बचत कर सकते हैं, ऐसे ही फॉस्फोरस का भी 50% वहां पर बचत कर सकते हैं। सामान्य दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो आधा जो है केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनका डोज हम घटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो उसका मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी रहेगा, बना रहेगा, और उसमें पोषक तत्वों का बैलेंस बना रहेगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जी सिद्धार्थ जी, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो हमारे फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर हैं और पोटेशिक फर्टिलाइजर हैं और डॉक्टर साहब का नेटवर्क शायद फिर से, डॉक्टर साहब जैसा कि बोल रहे थे कि जब भी आप पोषक तत्व का प्रबंधन करें तो एकीकृत फसल पोषक तत्व प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात इस्तेमाल करें खेत की तैयारी के समय। बाद की जो बची हुई नाइट्रोजन है उसका 33% जो है रोपाई के लगभग 15 दिन बाद यानी कि जब कल्लो का विकास होता है उस समय करें, और जो बाकी की बची हुई नाइट्रोजन है 33% वो बाली निकलने से पूर्व, किसान लोग जैसे खेत में घूमते हैं उनको अनुभव हो जाता है कि अभी बाली निकलने वाली है, तो जैसे ही बाली निकलने का समय आ रहा है देख लें
और उस समय 33% जो है बची हुई जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल कर दें। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि कितनी कितनी मात्रा में जो पोषक तत्व की दर है वो डालनी चाहिए, क्योंकि किसानों के जो किसान भाई के हमारे भारत के लगभग 90% किसान भाई, और जहां तक धान की एवं गेहूं की बात मैं करता हूं, तो ये भ्रांति एक फैली हुई है कि वो कंपटीशन में बगल वाले की खेत को देखकर खाद एवं दवाइयों का छिड़काव करते हैं। उनको ये लगता है कि जितनी ज्यादा हरी भरी होगी मेरी खेत उतना ही ज्यादा मेरा बढ़वार आएगा, बल्कि एक भ्रांति है जिसको कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से दूर किया। आपने बताया कि कितने कितने दर से कितनी कितनी मात्रा से तथा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जिसको कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं उसका कितना बड़ा लाभ हो सकता है। डॉक्टर साहब बढ़ते हैं अब हम अगले सेगमेंट की ओर। सवालों की फेरिस तो काफी आ रही, लेकिन 46 मिनट हो चुके हैं, 35 लोग हमारे साथ, 35 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नेटवर्क के बीच बीच में इश्यूज आ रहे हैं, परंतु लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को जल प्रबंधन के बारे में बताएं, जल प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब जी, जल प्रबंधन, किसान जो है जल जल ही जीवन है, और जल के बिना जो है जीवन अधूरा है। और किसान भाइयों, जो चावल है या धान है वो एक ऐसी फसल है कि उसका उगाने से लेकर खाते समय पानी की बहुत जरूरत होती है, तो जल जीवन है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा जल ले रहा हूं। जी साथियों, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है। तो धान की खेती में जब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए के पानी उतनी ही मात्रा में लगाएं, फालतू पानी ना लगाएं। फालतू पानी से फायदे की अपेक्षा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन हमारा फर्टिलाइजर है, ये मोबाइल न्यूट्रेंट है, यानी कि सचल पोषक तत्व इसको बोलते हैं। जब हम अधिक मात्रा में पानी डालते हैं तो जो भी नाइट्रोजन हम डाले हैं, चाहे जैविक रूप में डाले हैं या रासायनिक फर्टिलाइजर के रूप में डाले हैं, उसका जो है लीचिंग हो सकता है और वो बहकर दूसरी जगह जा सकता है या नीचे अवेलेबल सरफेस में जा सकता है। तो जितना जरूरत हो उतना ही पानी देना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जैसे ही रोपाई करते हैं, और रोपाई करने के बाद क्यों पानी लगा के ही रोपाई करते हैं धान की, तो लगभग 3-4 दिन उसको छोड़ दें खेत को, तो जैसे हवा लगने दें। उससे क्या होगा कि पौधे का विकास अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक पानी भर देते हैं और ज्यादा खड़े हुए पानी में हम पौधे की रोपाई करते हैं, तो अधिक टेम्परेचर होने के कारण, ज्यादा तापक्रम होने के कारण, जैसे खेत में पानी जो है वो गर्म होता है टेम्परेचर की वजह से, और जो हम छोटे छोटे पौधे, नन्हे नन्हे पौधे जो हम रोपाई किए हैं खेत में, तो वो उसमें जो है पीलापन आ जाता है और मोटिलिटी भी कभी कभी कुछ पौधों की हो जाती है। तो किसान आवश्यकता अनुसार इसमें पानी लगाएं, और विशेष रूप से कहूँ तो इसमें जो है, जैसे पहले हम रोपाई के 6-7 दिन बाद लगाएंगे पहला पानी, उसके बाद फिर जैसे गर्मी का सीजन की ये फसल है उसमें पानी जल्दी जल्दी जो है एवोपोरेट होता है और पौधों द्वारा भी सोखा जाता है और सूरज की धूप के द्वारा भी नष्ट होता है। तो उसमें जो है लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो है 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी वो है उसमें सिंचाई कर दें, 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई कर देंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी और खरपतवारों की भी कम समस्या होगी। और विशेष जो स्टेज है धान की बात करें तो उसमें नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक तो उस समय नमी बनाए रखना जरूरी है जब हम जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय भी नमी का होना बहुत जरूरी है। जब हम खरपतवार नाशी डाल रहे हैं उस समय भी खेत में नमी का पर्याप्त होना जरूरी है। और जो है इसमें विशेष जो अवस्थाएं हैं वो जैसे टिलरिंग स्टेज है,
टिलरिंग स्टेज जब हो रहा है तो उस समय वो लगभग जो है 15 से 20 दिन बाद आएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रोपाई करते हैं, टीलर बनना, कल्ले बनना शुरू हो जाएगा, फुटाव जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। तो उस समय नमी का पर्याप्त होना जरूरी है, तो उस समय भी नमी बनाने के लिए खेत में अगर आवश्यकता हो तो सिंचाई कर दें। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ती है क्रॉप और उसमें फिर सिंचाई आप देते रहें, और उस समय विशेष ध्यान रखें कि जब बाली निकलने वाली है उस समय भी सिंचाई करना परम आवश्यक है। नमी का कमी नहीं होना चाहिए जहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन हो। साथ ही साथ किसान भाइयों को मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब बारिश अगर अधिक हो गई है किसी समय, तो उसको पानी को जो फालतू पानी है उसके निकासी का भी उचित प्रबंध करना चाहिए और फालतू पानी जो है खेत से निकाल देना चाहिए। जैसा कि मैं बनारस से बोल रहा हूँ, ये कबीरदास जी की जन्मस्थली रही है। उन्होंने भी कहा है कि अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप, अति का भला न प्रश्ना, अति की भली न धूप। उनका यही इशारा है कि ज्यादा किसी भी चीज का जो है नुकसानदायक है, चाहे वो रासायनिक फर्टिलाइजर हो या फिर पानी हो, तो उसका भी उचित मात्रा में ही इस्तेमाल करें और फालतू पानी को जो है बारिश के दौरान खेत से बाहर निकालते रहें। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आपने कहा है कि जल ही जीवन है और जल का कितना बड़ा महत्व है तथा धान एवं हमारे पूरे जो है इंसानी जीवन में जल का, क्योंकि ऐसा ये भी जो है कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यदि हम उपयुक्त जल संरक्षण नहीं करेंगे तो विश्व युद्ध जल पे ही हो सकता है। इसी के बीच हमारे कई व्यूअर्स का भी सवाल है। दया श्रीवास्तव जी हैं, अविनाश पवार जी हैं, जीएस पवार जी हैं, हिमांशु चौधरी जी हैं, सुनील वस्केल जी हैं, ये सारे के जो व्यूअर्स हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि जल का तो महत्व आपने बताया, लेकिन जिन किसानों के पास जल की कमी है या फिर किसान भाई जल को संरक्षित, जल का बचाव कैसे करें? जी जी जी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जो सम्मानित व्यूअर्स हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम को। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन उन्होंने किया है, क्योंकि जल के ऊपर बहुत जो है विवाद पहले भी हुआ है, आप लोगों ने भी सुना होगा कावेरी जल विवाद, वो भी विवाद चला काफी दिनों तक। और दूसरा आगे आने वाला जो युद्ध होगा ऐसा है विशेषज्ञ, वो जल के लिए होगा, पानी के लिए होगा, पानी का बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं जब खेती धान की बात आती है, धान की खेती की जब बात आती है, तो उस समय जल बचाने के लिए या पानी बचाने के लिए किसानों को मैं सीधी बुआई के लिए भी अपील करना चाहूँगा। और सीधी बुआई कर सकते हैं, उसमें भी जो है उपज अच्छी मिलती है और बचत पानी की होती है। सीधी बुआई करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम खेत को तैयार कर लेते हैं ऐसे जैसे सामान्य विधि से किए हैं, और खेत को तैयार कर लेते हैं और फिर उसको बीज को हम भिगो देते हैं पानी में। मेरा अपना मानना है ये, बाकी लोग दूसरे वैज्ञानिक दूसरा अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब हम सीधी बुआई कर रहे हैं और बारिश अगर हो जाए, अगर बारिश हो रही है और सीधी बुआई हम करने जा रहे हैं, तो उस दौरान जो बीज है जैसे नर्सरी में बताया है मैंने, उसको लगभग 48 घंटे पूर्व जैसे हमें आइडिया लग जाता है कि बारिश हो गई है भाई, बुआई का व्यवस्था करना है, खाद का व्यवस्था करना है, ये सब करना है, लेबर भी ढूंढना है या मशीन खोजना है। कुछ छोटे छोटे भी किसान हैं हमारे देश में जिनके पास अपने निजी कृषि यंत्र नहीं है, उनको हायर करके लाना है, तो वो सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और उसमें जो है बीज को साधारण पानी में भिगो दें लगभग 48 घंटे पूर्व, और उसको फिर सुबह शाम ऐसे जैसे पहले भी बताया पानी डालते रहें, और पानी डाल कर उसको नमी बनाए रखें, फिर बीज स्प्राउट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा
उसके बाद फिर उसकी बुआई कर दें सुबह के समय या शाम के समय। और ड्रम सीडर भी एक आया है यंत्र, साधारण यंत्र है और किसान इसको अपने आप मैन्युअली इसको ऑपरेट किया जाता है और इससे भी आप बुआई कर सकते हैं अंकुरित बीज की। तो अगर बारिश नहीं हो रही है और सूखी दशा में हम बुआई करना चाहते हैं तो वहां पर बिना भीगा हुआ बीज, साधारण बीज जैसे होगा उसको उपचार वगैरह कर लें और उसकी बुआई आप कर दें, तो निश्चित रूप से जो ये विधि है डायरेक्ट सोइंग की, सीधी बुआई की, ये सफल होगी। और उसमें ध्यान रखते रहें कि खरपतवार तो नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारे कुछ श्रमिक लोग भी काम से छोड़कर शहरों से गांव की तरफ आ रहे हैं, तो मैनुअल भी उसका वीड कंट्रोल वहां पर किया जा सकता है। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आशा करते हैं अविनाश जी, देवेंद्र जी, गुरुशरण जी, सबको आप इनके सवालों के उचित जवाब दे दिए गए हैं। 57 मिनट हो चुके हैं, समय सीमा को देखते हुए शायद हम आगे और प्रश्न ना ले पाएं, प्रश्नों की सब फहरिस्त तो काफी लंबी है। अब मैं चाहता हूं जो हमारे किसान भाइयों को आप जो पीड़क हैं, पीड़कों के बारे में बताएं, जिसमें कि खरपतवार, कीट एवं रोग नियंत्रण किस तरह किसान भाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी 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 सिद्धार्थ जी, जब हम खरपतवारों की बात करते हैं धान की खेत में, तो इसमें मुख्य रूप से कुछ खरपतवार हैं जो उगते हैं, जैसे साइप्रस रोडेंटस जिसको मोथा भी कहते हैं वो उग जाता है। और दूसरा खरपतवार जो मेन है मुख्य इसका, वो सांवा है, सांवा जिसको दो प्रजातियां उसकी होती हैं, जैसे इचाइनोक्लोवा क्रूसगैली और इचाइनोक्लोवा कोलोनम। तो ये बड़ा जिद्दी खरपतवार है जो धान जहाँ पर भी खेती करते हैं वहां पर उगता है हमेशा, और धान की फसल के साथ ही जो है वो पकता भी है और उसी के साथ बीज में छपकर जो है वहां पर जब नए खेत में बुआई करते हैं, अगर जरा सी असावधानी बरती, हम सावधानी ना बरतें, बीज की छटाई ना करें, सफाई ना करें, उसका ग्रेडिंग ना करें, तो वहां पर फिर ये पहुंच जाता है नए खेतों में। और कभी कभी खरपतवार का जो साधन है वो हमारे जो है पशु भी हैं कहीं कहीं पे अभी तो, और कृषि यंत्र भी हैं, जैसे जहाँ पर हमने जुताई किया, जैसे खरपतवार जहाँ पर ज्यादा समस्या है वहां पर जुताई करके आए, फिर हम दूसरे नए क्षेत्र में हम ले जा रहे हैं नए खेत में यंत्रों को, या पशु चालित कुछ किसान, छोटे किसान हैं जैसे सोनभद्र की मैं बात करूं जिले की, तो वहां पर जो है कुछ किसान आज भी जो है इधर आदिवासी एरिया में जो है बैलों से जो है जुताई करके खेती कर रहे हैं। और तो उस समय जो है खरपतवारों के बीज पशुओं के साथ भी पहुंच सकते हैं, और सिंचाई जो जल है उसके साथ भी पहुंच सकते हैं, जहां पर जैसे सिंचाई की नालियां हैं उनको भी साफ करके रखें, अगर नहर आदि से कहीं पर पानी आ रहा है तो उसमें भी खरपतवारों के बीजों की आशंका रहती है, तो किसानों को ध्यान रहे कि नाली वगैरह जहाँ से भी होता है आ रहा है पानी बह के, उनकी सफाई ध्यान से कर दें जिससे खरपतवारों के बीज खेत में ना जाए नए क्षेत्र में। साथ ही साथ कभी कभी ये भी ध्यान रखें कि जब हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो अनमैच्योर खाद होगी, बिना सड़ी खाद होगी, तो उसमें भी खरपतवारों के बीज खेत में पहुंच सकते हैं, तो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो है फसल चक्र बीज में अपनाएं, बार बार जैसे पहले भी बताया मैंने, एक खेत में बार बार एक फसल लगातार ना उगाएं, वरना उससे संबंधित जो भी खरपतवार होंगे वो फसल के साथ दोबारा फिर उगते हैं। और इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कैसे नियंत्रण करें हम खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए, जैसे पैडी वीडर भी आ रहा है, पैडी वीडर की सहायता से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही साथ मैनुअल वीडिंग करके भी खरपतवारों को हाथों से उखाड़ कर, जो छोटे किसान है जहाँ जो छोटे छोटे लैंड है जिनके छोटे खेत है, वो खरपतवारों को मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि हाथ से उखाड़ के खरपतवारों को नियंत्रण करें, जिससे उन्हें रोजगार का मिलेगा और जो हमारा दवाई में खर्च हो रहा है वहां से भी बचत पैसे की हो जाएगी।
अगर लार्ज स्केल पर खेती हो रहा है, बड़े पैमाने पर खेती हो रहा है, बड़ा किसान है, तो वहां पर जो है मैनुअल लेबर का संभावना जैसे नहीं है, उपलब्धता नहीं है किसी कारणों से, या खर्च उसमें ज्यादा आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसमें लेबर में खर्च ज्यादा आता है, तो उस दौरान आप जो है उसमें खरपतवार का इस्तेमाल करें, जैसे कि उसमें ब्यूटाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर का जो है 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व जो है प्रति हेक्टर की दर से बुआई, अगर सी बुआई कर रहे हैं या फिर रोपाई कर रहे हैं उसके 3-4 दिन बाद समान रूप से उसको इस्तेमाल करें। इसमें जो है लगभग 400 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो उसमें समान रूप से उसको घोल लें और उसमें उसका छिड़काव करें, या फिर अगर किसी किसान के पास जो है स्प्रेयर नहीं उपलब्ध है तो उस दशा में रेत बालू जिसको बोलते हैं, बालू में मिलाकर भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरे जो खरपतवार नाशी है जैसे एनिलोफोस है, इसका 0.40 से 0.50 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए रोपाई के और बुआई के 3 से 4 दिन बाद। दूसरा प्रेटीला क्लोर है, प्रेटीला क्लोर का भी इस्तेमाल किसान लोग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो है इसकी मात्रा रहेगी 0.15 से 0.25 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से बुआई या रोपाई के 3-4 दिन बाद करें। और जो कभी कभी चोड़ी पत्ते वाले भी कुछ खरपतवार खेत में उग जाते हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए 2,4-D का 0.5 से 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व जो है प्रति हेक्टर की दर से रोपाई या बुआई के 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। इसके कुछ अन्य खरपतवार भी हैं, खरपतवार नाशी हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी चल रहा है बिस्पायरी बैग के अलग अलग जो कंपनी है अलग अलग ट्रेड नाम दिए हैं, तो मैं साल्ट को ही बता रहा हूँ, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके लिए जो है लगभग 250 से 300 ml प्रति हेक्टर की दर से इसमें आप इस्तेमाल करें और उसे जो है रोपाई के बुआई के 15 से 20 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर देंगे, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि खरपतवारों की कोई समस्या नहीं होगी। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि 1 घंटा से अधिक हो गया है, 1 घंटा 3 मिनट हो गए हैं, अभी भी हमारे साथ 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, जीएस पवार जी ने भी अपना अभिवादन दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो आज का आखिरी सेगमेंट है इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपने मुख्यतः सारी बिंदुओं पे बात कर ली, धान की खेती की एक कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, चाहे वो बुआई से लेके मिट्टी का चयन, जलवायु, जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट खरपतवार प्रबंधन। अब मैं चाहता हूँ आप हमारे किसान भाइयों को कटाई मढ़ाई एवं भंडारण, जो कि एक बहुत ही मुख्यतः रूप स्टेप है किसानों के लिए अपनी इनकम, अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए, इस पे जरा सा संक्षिप्त रूप में बता दें। जी डॉक्टर साहब। जी 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 सिद्धार्थ जी, इससे पहले थोड़ा एक लाइन और बताना चाहूंगा कि धान के जो फसल है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी लग जाते हैं, जैसे कंडवा रोग है या फिर झुलसा रोग है, ये लग जाते हैं, और उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें उपयुक्त जो है फंजीसाइड, जिसको कहेंगे कवकनाशी का इस्तेमाल करें, जैसे कार्बेंडाजीम ले लें, उसका 0.2% घोल बनाएं और उसको समान रूप से जो है छिड़काव करें, साधारण पानी में 0.2% का सॉल्यूशन बनाकर छिड़काव कर दें। इसके अलावा जो है दूसरी कॉपरऑक्सीक्लोराइड है, कॉपरऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं रोगों के नियंत्रण के लिए, और किसान निगरानी करते रहें, मैं ये उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसान जो है घूमते तो हैं ही खेत पे, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि जब बालियाँ निकल रही हैं उस समय कोई रोग या कीड़ा नहीं है, अगर कोई रोग या कीड़ा लग रहा है तो उस दौरान उसका उचित जो है प्रबंधन करें, उसका नियंत्रण करें। इसके बाद मैं
बताता हूँ सिद्धार्थ जी के उस लड़ाई मड़ाई और उसाई कैसे करें, जो लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पर जो खेती कर रहे हैं धान लोगों धान की किसान भाई, तो वो लोग जो अपना रहे हैं कंबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक साथ में दोनों ऑपरेशन कर देती है, कटाई भी करेगी और दाना अलग कर देगी, और दाना अलग करके जो है आपको साफ दाना मिलेगा मशीन से, तो उसको आप रख सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधि जो है जो छोटे किसान अपनाते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग यानी कि आदमियों के द्वारा फसल की कटाई, तो उसे भी किसान लोग कर सकते हैं। छोटे जो किसान है ज्यादातर मैनुअल कटिंग ही करते हैं और कटाई करके जो है खेत को उसको जो फसल को उचित प्रबंधन करें। साथ ध्यान रहे कि जब हम कटाई कर रहे हैं फसल की तो उस समय ये देख लें कि जो दाना है हमारा वो अच्छे से पक गया है और उसमें नमी का जो स्तर है लगभग जो है 16% के आसपास होना चाहिए कटाई के समय। तो ये किसान लोग जैसे पहले भी मैंने चर्चा की कि उसको अनुभव करके वो देखते हैं, हाथ में लेते हैं दाने को, तोड़ देते हैं दांत से, उसको देख लेते हैं, या वैसे भी दाना पत्थर से भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस दौरान जो है विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप ज़्यादा रहता है, देखने को मिलता है, और हाइब्रिड्स के अंदर भी ज़्यादा जो है कीड़े मकोड़ों का प्रकोप देखने को पाया गया है। और तो किसान भाई उसका उचित समय पर कटाई करें और कटाई करके फिर उसको जैसे मैनुअल कटाई किया है तो उसको फिर डंडे से पीट कर जो है दाना कर लिया जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि वहाँ पर चावल का जो टूटने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, और हमारा जो चावल है वो जो चावल रहता है साबुत चावल उसकी परसेंटेज थोड़ा घट जाता है। तो किसान उसको ध्यान से पूर्वक जो है उसकी मड़ाई कर ले, उसके बाद हस्तचालित जो पंखा होता है फैन होता है विनोइंग फैन जिसको कहते हैं वो साई पंखा, उसकी सहायता से हवा चलाकर उसको दाने को और जो उसमें डस्ट होगा भूसा होगा या जो फिर खाली अनमैच्योर्ड दाने होंगे बिना भरे हुए दाने होंगे वो अपरिपक्व दाने होंगे वो अलग कर लिए जाएंगे। और उसके बाद मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जैसे हमने साफ कर लिया अच्छे से दाने को निकाल लिया तो उसको फिर आप तेज धूप में सुखा दें अगर स्टोर करने के लिए जा रहे हैं, अगर बेच रहे हैं तो फिर उसको डायरेक्ट सीधे मार्केट में ले जाएं और 16% नमी ठीक है उसको सीधे आप बाजार में ले जा सकते हैं। और अगर भंडारण करना है जैसे बीज के लिए रखना है खाने के लिए रखना है अनाज या दाना जिसको कहें तो उसको फिर अच्छे से सुखा लें और उसमें नमी का जो असर है लगभग 12-14% तक कर लिया जाए, नमी का जो स्तर है सुखाकर 12-14% तक कर लें और उस दौरान उसकी भंडारण करें। और जहाँ पर भंडारण कर रहे हैं हम उस जो भंडार गृह है उसका अच्छे से साफ सफाई करवा दें और हो सके तो चूने की पुताई वहाँ पर करवा दें और उसका जो भी विंडो वगैरह है दरवाजे हैं वो अच्छे से साफ कर लें देख लें। और जिन बोरों में हम धान के जो है दाना है उसको भर रहे हैं वहाँ पर उन वो साफ होने चाहिए, अगर साफ नहीं है तो क्लोरोपाइरीफास का जो नए अगर बोरे का इस्तेमाल करें, मैं कह रहा हूँ कि नए बोरों का इस्तेमाल करें, और अगर बोरे पुराने हमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं तो वहाँ क्लोरोपाइरीफास जो होता है इंसेक्टिसाइड उसका 0.2% सोल्यूशन बना लें और उस सोल्यूशन में घोल में भिगो दें बोरों को और उसको अच्छे से सुखा लें। इससे क्या होगा कि जो कीड़े बोरों के अंदर होंगे मौजूद होंगे वो मर जाएंगे और उसको अच्छे से सुखा लें, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम जब स्टोर में ले जाते हैं तो स्टोर में मैंने पहले भी बताया कि पुताई करके साफ कर लें साफ सफाई कर लें वहाँ पर और अच्छे से सूखा होना चाहिए, और हो सके तो स्टोर ऐसे ही कमरे का चयन करना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार का कहीं नमी का ना हो, सिंचाई ना उसके पास को ना बह रहा हो, कमरे के लैट्रिन बाथरूम उसके पास में बना हो, तो ये सब बातें ध्यान रखें। और हो सके तो जो सामान्य धरातल है घर का या जहाँ पर भी मकान है उससे थोड़ा उठा होना चाहिए लगभग 1.5-2 फीट,
तो इससे जो है बारिश हो जाए अचानक कभी या फिर नमी वहां पर नहीं जाएगी। और उसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि जब हम बोरे में भर रहे हैं तो सूखी नीम की पत्ती ले लें, और सूखी नीम की पत्ती जो है बड़ी महत्वपूर्ण है जैविक नियंत्रण के लिए। लगभग एक मुट्ठी भर जो सूखी नीम की पत्ती है वो बोरे के सबसे पहले डालें नीचे, और उसके बाद फिर दाना भर दें और बीच में फिर एक मुट्ठी डाल दें, फिर लास्ट में एक मुट्ठी जो है नीम की पत्तियों की डाल दें, और उसको फिर सील करके पैक करके जो है स्टोर में रखते हैं। और वहां पर जहाँ पर स्टोर में रखने जा रहे हैं, अगर किसानों के पास भूसा है, भूसा उपलब्ध है, तो भूसे की बिछाते हैं लगभग 1.5 फुट, और उसको भूसे के ऊपर फिर बोरियां लगाएं। और सिद्धार्थ जी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बोरिया वहां पर स्टोर कर रहे हैं, अगर नीम की पत्ती नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो पहले गोली आती थी, लेकिन कुछ अनजानों ने या जानबूझकर आत्महत्या के भी केस आए हैं देश भर में, तो किसान जो है किसी ने घर में रंजिश की वजह से जो है वहां उसको खा लेते हैं तो उसका खतरा रहता था, तो उसको रोक लगा दिया है सरकार ने, और पाउडर फॉर्म में वो मिल रहा है। तो पाउडर फॉर्म में उसके पाउच छोटे छोटे पाउच है, और उसको पाउच को वो वहां पर बोरी में खोल के उसको रखा जा सकता है। और अच्छे से जो मकान को जब वहां पर हम दाना रख दें और एयर टाइट कर दें और भूसा और जो है मिट्टी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करें, और दीवारों में जो भी विंडो है आसपास में, हो सके तो विंडो ना हो, अगर स्टोर कोई बनाना चाहते हैं स्टोरेज किसान अपना या बना हुआ है तो ऐसे कमरे का चयन करें जहां पर विंडो ना हो, और विंडो अगर है तो उसको अच्छे से भूसा और जो मिट्टी है उसका पेस्ट बनाकर उसको अच्छे से लिपाई कर दें और सील पैक कर दें। जी सिद्धार्थ जी, डॉक्टर साहब आज आप हमारे बीच आए, आपने काफी विषयों पे बातचीत की, मिट्टी के चयन से लेके कटाई मड़ाई एवं बेचने तक की, उसमें कई विषयों पे आपने चर्चा की, क्योंकि धान का सीजन आने वाला है और एक वैज्ञानिक विधि से यदि किसान भाई इन मुख्य बातों का ख्याल रखें, इस पे गौर करें, जो भी बिंदुएं आपने बताई हैं आज, तो आशा करते हैं आने वाले समय में अच्छी पैदावार के साथ साथ इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, आय में भी संवर्धन होगा और किसान भाई अच्छे से उसको बेच सकते हैं। अंत करने से पहले 1 घंटा 13 मिनट हमारा हो चुका है डॉक्टर साहब, कुछ आप जो है चलते चलते संक्षिप्त रूप से किसान भाई अंततः धान की खेती से अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, इस पे 2 मिनट मार्गदर्शन। जी जी जी, किसान भाई निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ और जो मेरे साथी लोग हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं, ऐसा अनुभव पाया है अगर वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करेंगे, हम परंपरागत विधियां भी उसमें जोड़ते हुए इस्तेमाल करेंगे, जैसे फसल चक्र है या फिर हेर फेर कर फसलों का बोना है, और इंटीग्रेटेड पोषक तत्व प्रबंधन है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट है, तो इनका अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो धान की खेती है वो लाभकारी होगी और उससे किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों को ये भी संदेश देना चाहूंगा इको किसान संचार के माध्यम से कि जब हम कंबाइन से जो है धान की हार्वेस्टिंग कराते हैं तो उस दौरान जो है उसका अवशेष जो है छूट जाता है, फसल का जो अवशेष है छूट जाता है पुआल, तो उसको जलाए ना और उसका इस्तेमाल आप करें, जैसे वर्मी कंपोस्ट को बनाने में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा छोटा उसको मशीन से काट लें जो चारा काटने वाली मशीन है, और उसको सूखे चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ में बरसी मिक्स करके। साथ ही साथ अगर ज्यादा ही मात्रा में है तो उसको कार्डबोर्ड फैक्ट्री में गत्ता बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें भी आप सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसका और भी प्रोसेसिंग करके कई संसाधन किए जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुआल है उसका उचित प्रबंधन करें, जैसे मैंने बताया मशरूम के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मशरूम को उगाने के लिए और पशुओं को सूखे चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल कंपोस्ट बनाने में भी कर सकते हैं और पशुओं को बिछन के रूप में भी
क्योंकि वो पुआल है वो सर्दियों के समय में ही आता है और उसका बिछावन के रूप में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो 10-15 दिन बाद फिर दोबारा चेंज करेंगे हम दूसरा नया पुआल फिर वहां पर डाल देंगे और उसको फिर कंपोस्ट वाला जो गड्ढा होगा वहां पर आप ले जाएंगे और उसका उचित प्रबंधन हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ और सभी जो साथी जुड़े हैं आज इस प्रोग्राम से जो देख रहे हैं और किसान इफको किसान संचार है उसकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अपने प्रसार निदेशालय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसके मार्गदर्शन में हम जो है खेती बाड़ी की जो जानकारी है किसानों के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से आप धान की जैविक खेती अपनाएं और अधिक लाभ पाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आज हमारे बीच में आए, आपने समय निकाला तथा जो सवा घंटे का ये सेशन है बड़े ही प्रखर रूप से, बड़े ही सरल रूप से ऐसी कई नवीनतम विधियां बताई, तकनीकें बताई और ऐसी बातें हमारे किसान भाइयों के साथ आपने जानकारी साझा की जो आपकी दो दशक की जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसका मात्र ये एक जल भर लोटे के समान बात हमने आज की। क्योंकि यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो शायद पूरा दिन बीत जाए और हमारी बातचीत एवं आपका जो ज्ञान है वो समाप्त ना हो। तो सभी के हमारे साथ समय देने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आज डॉक्टर संजीत कुमार जुड़े थे और उन्होंने लगभग सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट हमारे व्यूअर्स का भी पेशेंस है जिन्होंने आज, क्योंकि जानकारी इतनी रोचक थी, वो हमारे बीच में आए और धान की वैज्ञानिक खेती किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि आने वाला जो सीजन है वो धान का ही है, ताकि आने वाले समय में अच्छी बढ़वार के साथ साथ किसान भाइयों के आय में संवर्धन हो जब वो मार्केट में उसकी बिक्री की जा सकती है। इसी तरह प्रतिदिन 11 बजे हम आपके बीच में आते हैं, लाइव सेशन का ये सीरीज करते हैं, नई नई जानकारियों के साथ, नए नए विशेषज्ञों के साथ हम आपको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और जानकारी साझा करके ये मुख्य लक्ष्य रखते हैं कि किसान भाइयों को किसी भी तरीके का जरूरत हो वह पूरी की जा सके। जो भी आपकी कौतूहलता है, जो भी आपके सवाल जवाब हो किसान भाइयों को, लाइव सेशन में हम समय अवधि के कारण सारा नहीं ले पाते हैं, परंतु हमारे इस पेज से जुड़े इफको किसान CSR पेज तथा हमारे मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप इफको किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक क्लिक पे पूरी जानकारी पाएं। कल हमारा जो सेशन होगा वह कृषि विज्ञान केंद्रों की महत्वता को लेके होगा, बड़ा ही रोचक से जो है सेशन होगा। जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी कुछ खास कुछ नए मेहमान होंगे, तो इसी समय 11 बजे जुड़ेंगे कल आपके साथ नए विषय नए एक्सपर्ट के लिए के साथ। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफको किसान संचार की ओर से अभी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय किसान। नमस्कार।